बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बी ज़िदनी इल्मा। और अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ, क्या पढ़ रहे हैं हम बिलाल? स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, यानी फंजाई की साख्त किस तरह की है। अब हमारा स्ट्रक्चर हमने देखा हसन, किस तरह का स्ट्रक्चर है हमारा? हमारे सबसे ऊपर क्या है और सबसे नीचे क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इस तरह फंजाई का अब हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। दी बॉडी आर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ए फंगस इज कॉल्ड अ थैलस। थैलस किसे कहते हैं? THALUS। बॉडी ऑफ फंजाई उसे क्या बोलते हैं? थैलस, थैलस या बॉडी या वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फंजाई। इसे थैलस बोलते, ठीक हो गया। इट वेरीज इन कम्प्लेक्सिटी एंड साइज। कम्प्लेक्स किसे कहते हैं? शाबाश। और साइज? जिसामत। रेंजिंग फ्राम द सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक यीस्ट टू मल्टी सेलुलर मोल्ड और मैक्रोस्कोपिक पफ बॉल्स एंड मशरूम्स। जो सिंगल सेल फंजाई होगी उसका क्या नाम है? सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक फंजाई, उसको क्या बोलते हैं? यीस्ट। बेटे आप पढ़ते नहीं है यीस्ट? आपने बड़ी जगह यीस्ट भी कहते हैं, कुछ लोग इसे यीस्ट भी बोलते हैं। और जो मल्टी सेलुलर है उसे? जो मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर को मोल्ड कहते हैं, और जो मैक्रोस्कोपिक है उन्हें पफ बाल्स या मशरूम कहते हैं। जुल्फकार जरा तवज्जो करो इधर, ये है माइक्रो, ये भी है माइक्रो। जो माइक्रो होगी उसे मोल्ड, और जो मल्टी सेलुलर मैक्रो होगी उसे क्या कहेंगे? जो आम आंख से नजर आए, पफ बाल। पफ किसे कहते हैं? फूला हुआ, सूजा हुआ। शाबाश, पफ। मशरूम, खुम्बी। बेटे समझ आई? ये इसका स्ट्रक्चर था। अब इसकी जो फंजाई की बॉडी होगी उसका नाम क्या है? थैलस या वेजिटेटिव पार्ट या बॉडी, उसको थैलस कहते हैं। अगर सिंगल सेलुलर माइक्रोस्कोपिक हो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है। और मल्टी सेलुलर माइक्रोस्कोपिक हो मोल्ड, और मल्टी सेलुलर मैक्रोस्कोपिक हो जिसे हम कोई, ये जी आलू खुम्बी है, ये जी सांप खुम्बी है, इनके नाम होते हैं। ये बड़ी खतरनाक होती हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ मज़े की भी बहुत होती हैं। अल्लाह आप सबको मौका दे कभी पीसी शीसी में आप जाएं, इधर बड़े माल गोदाम होता है। 500 तो इनकी एंट्री फीस होती है पीसी होटल की। चलो हम इंशाल्लाह जाएंगे, मुल्तान में खुल गया है।